इंडियन रेलवे बसेस आंध्र प्रदेश के बीच मैच चलेगा, क्वार्टर फाइनल मैच है। वहां पर रेडर छत्तीसगढ़ की तरफ से छाया, शानदार मुकाबला होने वाला है कुछ ही क्षणों बाद। ये रही इंडियन रेलवे की टीम, ये रही आंध्र प्रदेश की टीम। अंक मिला है वहां पर, लगातार बोनस को ले रहे हैं। अरे रहे दर्शक इस मैच के, कुछ ही क्षणों बाद ये मैच स्टार्ट होगा, आंध्र प्रदेश वर्सेस इंडियन रेलवे। शानदार मुकाबला होने वाला है। इसी के साथ मैच स्टार्ट हो गया है। पहला रेड लेकर आई है दो नंबर के खिलाड़ी आंध्र प्रदेश के। बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है दोस्तों, ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला है इंडियन रेलवे वर्सेस आंध्र प्रदेश। मुकाबलों के साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे बीच देश की जानी हस्तियां जिन्होंने कबड्डी से मां भारती की। जी हाँ, 6 नंबर के जर्सी में चले पायल, पहला रेड लेकर हार्दिक स्वागत इंडियन रेलवे की तरफ से। बड़े कोचेस दोनों टीम काफी बहुत ही बढ़िया है, बोनस का प्रयास हुआ है पहले रेड। बलवान सिंह जी, द्रोणाचार्य गौड़ी, श्री विश्वजीत पारिक, अर्जुन गौड़ी, और इंडियन रेलवे के कोच हैं श्री विश्वजीत पालित, अजुनावाड़ी खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया अपने जमाने में खिलाड़ी थे, अभी रेलवे के कोच हैं। अर्जुनावाड़ी चल रहे रेड पर, फिर से 6 नंबर के खिलाड़ी एशियन गेम्स टीक लगाने का प्रयास कॉर्नर पे। अभिलाषा मात्रे, अर्जुनावाड़ी, शालिनी पाठक, एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट, पायल चौधरी एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट, मनप्रीत कौर एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट, रितु नेगी एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, प्रियंका पिलानिया एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए रेड पर पूजा नरवाल, लंबी हट के खिलाड़ी, बोनस का प्रयास हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एक अच्छी बोनस का प्रयास हुआ है। चलिए देखते हैं गोल्ड मेडलिस्ट विनायक हाल में है, गोल्ड मेडलिस्ट हिमाचल प्रदेश, बहुत ही तगड़ा है यहाँ पे, गबर पे टच लगा, आप देख पा रहे हैं टच यहाँ पे। पूजा नरवाल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, सादा स्कोर 1-0, खाता खुल गया इंडियन रेलवे का। दुआ डायरेक्ट आ गया है, गबर पे ट्राई किया था टच करने के लिए, लगा नहीं, हालांकि दुआ डायरेक्ट है आपको, बहुत ही बढ़िया टैकल किए हैं। हालांकि कृतिका बोनस मिला, हालांकि बोनस हो गया था आपको, जल्दी से आना चाहिए था। अब चलिए रजनी रेड पर, 11 नंबर में 5 का डिफरेंस है रजनी के लिए, बोनस टॉप है। बहुत ही बढ़िया टैकल यहाँ पे देखने को मिला लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा, सुंदर टैकल। चलिए रेड पर 4 नंबर के खिलाड़ी, राइट कॉर्नर को टच लगाने का प्रयास था, फिर से चलिए पायल रेड पर 6 नंबर में, बोनस का एक अच्छा प्रयास। बोनस मिला, इसी के साथ स्कोर बता दे, 3 इंडियन रेलवे, 2 आंध्र प्रदेश। टक्कर का मुकाबला होने वाला है दोस्तों, राइट कॉर्नर पर रीति कहाँ है, 11 नंबर के खिलाड़ी रेड करने आई थी, बोनस प्लस पॉइंट मिला, वैशाली को बाहर जाना पड़ेगा। चलिए फिर से पूजा रेड पर, पूजा नरवाल लंबी हाइट, बोनस का प्रयास हुआ है। और इस बार फिर से दोबारा लेफ्ट कवर पे ट्राई किए थे
टच लगा, बाहर जाना पड़ेगा आपको। बहुत ही बढ़िया टच मारते हैं पूजा खबर को, सभी स्किल है उनमें, अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, पूजा सीनियर खिलाड़ी हैं। पांच और चार का स्कोर है, टक्कर का मुकाबला होने वाला है बिल्कुल। अब चलिए रेड पर रजनी 11 नंबर में, 6 का डिफेंस, इधर बोनस ऑन है रजनी के लिए भी, तो टच करने का प्रयास था लेफ्ट विंग को, बोनस का प्रयास किए हैं, सफलतापूर्वक बोनस मिला उनको। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया इंडियन रेलवे की टीम रहती है। अब चल है रेड पर 10 नंबर के खिलाड़ी आंध्र प्रदेश के रेलवे के कोर्ट में, फिर से चली है पूजा रेड पर, बोनस ऑन है पूजा के लिए भी, आसानी से प्रयास भी किए हैं, इतनी लंबी हाइट है पूजा के, बहुत ही बढ़िया टैकल देखने को मिला राइट कॉर्नर, सिंगल पैर पे डाई मारे, सपोर्ट आया पूरा टीम को। इधर आ गया है डुआ डायरेक्ट, इधर 5 का डिफेंस है, बोनस है नहीं, आपको टच पॉइंट लाने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया टैकल यहाँ पे रितिका का, सुंदर डैश, सिंगल गए थे रितिका और डैश मारे। अब चलिए पायल रेड पर 6 नंबर में, पायल एक फास्ट रेडर है, राइट से रेड करती हैं, पूरे टीम को चहल पहल कर देती हैं। देखिए ओ सिंपल टच, लेफ्ट कॉर्नर को इस बार शिकार बनाया है, फास्ट रेडर हैं, अनुभव की कमी नहीं है पायल में। 8-5 का स्कोर, 3 पॉइंट से बढ़त पे इंटर रेलवे। चले हैं फिर से रजनी रेड पर, पांच का डिफेंस है रजनी के लिए भी, बोनस ऑफ है और राइट कॉर्नर पे फ्लाइंग टच करने का प्रयास था उनका, हालांकि लगा नहीं। चलिए रेड पर 4 नंबर के खिलाड़ी आंध्र प्रदेश के, बहुत तगड़ा डिफेंस यहाँ पे रजनी के तरफ से, फिर से चलिए पायल रेड पर, 4 का उधर डिफेंस है। बिल्कुल एक अच्छे खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं सूझबूझ के साथ, और ये क्या, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। चलिए रेड पर 6 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट से रेड लगा रही हैं, 6 नंबर के लगातार रेड कर रही हैं आंध्र प्रदेश के लिए, बोनस का प्रयास किए हैं। बोनस मिला, बहुत ही बढ़िया बोनस, सुपर टैकल ऑन है, रजनी गई है रेड पर सुपर टैकल में। 3 का डिफेंस है उधर, और ये टच लगा क्या, जी हाँ बिल्कुल टच है, बहुत ही बढ़िया टच है, रिवर्स टो टच मारे हैं, पहले दिखाया उन्होंने कि हम बाहर आगे जा रहे हैं। चलिए रेड पर आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी, किक का प्रयास हुआ है और मांग कर रही है, दो खिलाड़ी बच गई हैं। बहुत ही बढ़िया रेड रजनी की तरफ से, अकेला खिलाड़ी बच गए हैं आंध्र प्रदेश के। अकेला खिलाड़ी बच गए हैं, बोनस दे दिया गया है पूरी टीम, महज 5
पांच सेकंड है खिलाड़ी के लिए। बहुत ही बढ़िया टैकल, कॉम्बाइनिंग टैकल हुआ। राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ से निकल कर उन्हें टैकल किए हैं। टाइम आउट लिया गया है आंध्र प्रदेश की तरफ से। चलिए देखते हैं कोच क्या दे रहे हैं। इंडियन रेलवे के कोच हैं। चलिए रेड पर पूजा बहुत ही बढ़िया किक लगा राइट कॉर्नर को, शानदार किक। इतने तेज किक मारे हैं कि, और ये क्या, दो खिलाड़ी बाहर जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त किक लगा राइट कॉर्नर को। इतने तेज किक था कि, और राइट से रेड पर चली है 11 नंबर के खिलाड़ी। पायल गए रेड पर, इतने फास्ट गए हैं कि, पांच का डिफेंस है पायल के लिए। चलिए रेड पर फिर से वही 6 नंबर के खिलाड़ी लगातार रेड कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए, और इस बार गलती कर दी है वैशाली। इतने एक्स्ट्रा टैकल आप नहीं कर सकते हैं खिलाड़ी को। चलिए रेड पर रजनी 11 नंबर में, इधर 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है रजनी के लिए। बहुत ही बढ़िया रेडर है रजनी। टच का प्रयास हुआ है लेफ्ट कॉर्नर को, बहुत ही बढ़िया टो टच। चलिए रेड पर फिर से वही रेडर लगातार रेड कर रही हैं। अगले रेड में पॉइंट भी लेके गए हैं, और स्कोर बता दे 8 आंध्र प्रदेश 18 रेलवे। पांच का डिफेंस है उधर, बहुत ही बढ़िया राइट कॉर्नर पर फिर से दूसरी बार लगातार प्रयास हुआ, सफल रही पूजा। सुंदर किक का प्रदर्शन दिखा रही है पूजा, और इससे पिछले वाले किक तो इतने तगड़े किक थे कि कह नहीं सकते भाई, उसका जवाब नहीं है। एक को किक लगा, दूसरा बाहर सीधा, दो पॉइंट मिला था। चले हैं रेड पर फिर से रजनी, उधर 4 का डिफेंस है। रजनी भी एक अनुभवी खिलाड़ी है। राइट कॉर्नर पे इस बार टच लगा है, लगातार इंडियन रेलवे के रेडर राइट कॉर्नर को ही टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो राइट से रेड आए या लेफ्ट से, लगातार टारगेट कर रहे हैं राइट कॉर्नर को ही। बहुत ही बढ़िया डैश यहाँ पे देखने को मिला वैशाली। कृतिका ने ग्रिप पकड़ने की कोशिश की, तब तक वैशाली आ गए डैश किए। अब 2 का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है रजनी के लिए। रजनी कहाँ मारने वाली है, बहुत बढ़िया फ्लाई जंप की है। अकेला खिलाड़ी बच गए हैं आंध्र प्रदेश की तरफ से। 22-9 का स्कोर है, आसानी से बोनस दे दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सर अकेला खिलाड़ी कभी कभी बाज मार जाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या करते हैं ये। और ये क्या स्कैम हो गया, एक खिलाड़ी टच के थे, बोनस मिला,
जैसे नंबर थ्री वैशाली को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें लगा कि यह लास्ट समय है। भारी मिस्टेक, जी हाँ बिल्कुल, ये तो बाज मार गए। सुपर टैकल ऑन है फिर से कहीं है रजनी रेड पर। अगले रेड में बहुत ही बढ़िया पॉइंट लेकर आई थी रजनी, एक पॉइंट मिला, बहुत ही बढ़िया स्केप। फिर से वही रेडर बच गए हैं, अगले बार इन्होंने चलाकी दिखाए, बहुत ही बढ़िया चलाकी था इनका। पहले टच किए हैं, फिर लॉबी के पास खड़े थे, अचानक से भाग पड़े मिड लाइन की तरफ क्योंकि 5 सेकंड समय था। बोनस इस बार भी दे दिया गया है, इस बार गलती नहीं करेंगे वैशाली। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया डैश रजनी का। इसी के साथ टाइम आउट लिया गया है आंध्र प्रदेश की तरफ से। चलिए कोचिंग दे रहे हैं कोच साहब, इंडियन रेलवे के कोच हैं विश्वजीत पाली। अर्जुना अवार्डी खिलाड़ी हैं, अपने जमाने में बहुत ही बढ़िया राइट कवर खेलते थे, काफ़ी नाम है इनके, बहुत ही तगड़ा राइट कवर खेलते थे दोस्तों। और एलएनएस राणा सर खिला रहे हैं, संजीव ठाकुर खिला रहे हैं, दोनों हमारे इस मैच के ऑफिशियल हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे, क्या ये बोनस प्लस वन पॉइंट है? बोनस नहीं मिला, हालांकि हाथ लग गया था शायद। 26 और 12 का स्कोर है हाफ टाइम का, हाफ टाइम हो चुका है, कभी भी पासा पलट सकता है दोस्तों। दोनों ही टीम बहुत ही बढ़िया खेल रही है। चलिए दिखाते हैं आंध्र प्रदेश के भी कोच अपने टीम को कोचिंग दे रहे हैं। चलिए पायल रेड पर 6 नंबर के खिलाड़ी इंडियन रेलवे की तरफ से, और स्कोर बता दे हाफ टाइम 12 और 27 का स्कोर। जी हाँ बिल्कुल, 2 पॉइंट मिलेगा आपको, सिंगल पॉइंट गया हालांकि, बट ट्राई किए थे हाई लॉक मारने का, हाथ छूटा और पॉइंट गया सीधा रेलवे के खाते में और लेफ्ट से रेड करने। चलिए फिर से 6 नंबर के खिलाड़ी लगातार रेड कर रही है आंध्र प्रदेश के लिए इंडियन रेलवे के कोर्ट में, सहकर्मी कर रहे हैं और ये इस बार मिसफील्ड हुआ, बोनस प्लस 1 पॉइंट मिला। हालांकि रितिका को बाहर जाना पड़ेगा, लेफ्ट कॉर्नर पे ट्राई किए हैं टच का, दावा कर रही है कि टच है। जी हाँ, चलिए टच का दावा कर रही थी, हालांकि क्या टच है आप कमेंट करके बताएं। पहले ने सराहना सर कि हाथ में था ये, कल भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया मैच खिलाया है सराहना सर। चलिए पूजा रेड पर, रेलवे रेलवे चिल्ला रहे हैं दर्शक। जी हाँ बिल्कुल, आसानी से बोनस दे दिया गया है क्योंकि लंबे हाइट के रेडर हैं, इन्हें पता है कि कब क्या करना है, आसानी से बोनस लेके आए हैं। अनुभवी खिलाड़ी है पूजा, बहुत ही तगड़ा एंकल होल्ड यहाँ पे रजनी का, पूरा का पूरा टीम टूट पड़े हैं। चलिए रेड पर फिर से पायल, 5 का डिफेंस है इधर, अब चले हैं रेड पर 11 नंबर के खिलाड़ी
इधर पूरी की पूरी स्क्वाड है, बोनस ऑन है, राइट से रेड लगाने चली है। यही रेडर चला के किए थे, लास्ट बची हुई थी वैशाली को टच कर दिए थे, मात्र 5 सेकंड समय होगा। सभी को लगा कि रेडर आउट हो गए हैं, लेकिन चलाकी कर दिए थे। इतने 5 रेडर हैं पायल की, उन्हें कैमरे में भी कैद करना आसान नहीं है। इतने स्पीड से रेड जाते हैं जैसे लगता है बुलेट ट्रेन जा रही है। चलिए रेड पर 10 नंबर के खिलाड़ी राइट से रेड लगाने के लिए। टाइम आउट लिया गया आंध्र प्रदेश की तरफ से। इंडियन रेलवे के खिलाड़ी को चेंज किया जा रहा है, महिमा और मिनी को अंदर किया जा रहा है, रजनी और नरवाल जो हमारे हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। वे दोनों ही बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, मिनी और माही बहुत ही बढ़िया रेडर है। मिनी जी हाँ बिल्कुल, 4 का डिफेंस है, रेड पर चली है, बहुत ही बढ़िया खेली है ऑल इंडिया रेलवे टूर्नामेंट में। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ टैकल कर लिए गए, शायद दोनों को चोट लगा है। चलिए रेड पर 10 नंबर के खिलाड़ी, बहुत बढ़िया थाई होल्ड, सुंदर थाई होल्ड की है। अब चलिए महिमा जी, हाँ बिल्कुल, और इनके दर्शक काफी हैं महिमा का। महिमा कल नहीं खेल रही थी, आज उतरी हैं, लेफ्ट से रेड करती हैं, बहुत ही बढ़िया रेडर है महिमा। इनका बोल वाला है दोस्तों, आसानी से पॉइंट लेके गए अपने कोर्ट में। चलिए रेड पर फिर से वही हटे रेडर, काफी वजन है इनमें, चाहे तो 2-3 पॉइंट लेके आ सकते हैं, एक बार में स्कोर कर सकते हैं। स्कोर बता दे 15 आंध्र प्रदेश, 31 इंडियन रेलवे। चलिए फिर से मिनी रेड पर, सुपर टैकल ऑन है मिनी के लिए। मिनी एक अनुभवी खिलाड़ी है, चतुर खिलाड़ी है जी हाँ, अपनी चतुराई दिखा दिए हैं। 2+2, 2+3 कितने पॉइंट है चलिए देखते हैं। ऑल इन हो गया, पूरा ऑल आउट है। दर्शक कह रहे हैं 2 पॉइंट है जी हाँ बिल्कुल, 2 पॉइंट मिला, हालांकि एक थोड़ी सी भूल हुई है रेफरी से। बोनस दे दिया गया है, अकेला खिलाड़ी फिर से बच गई हैं। इस बार वैशाली गलती नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है। पंद्रह और 35 का स्कोर है, 20 पॉइंट से बढ़त पे इंडियन रेलवे। महिमा रेड पर चली हैं, अकेला खिलाड़ी बच गए हैं आंध्र प्रदेश के। टाइम आउट लिया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से। चलिए रेड पर 6 नंबर के खिलाड़ी,
लंबी हाइट के रेडर हैं ये भी। स्कोर 16 और 38 का है, दुगने पॉइंट से बढ़त पे है इंडिया रेलवे। रनिंग बोनस का प्रयास हुआ है, बोनस मिला, बहुत ही सुंदर बोनस। चलिए रेड पर मिनी कवर पे ट्राई किए, टच का दावा कर रही है, यह बिल्कुल टच है। बहुत ही यूनिक खिलाड़ी हैं मिनी, हमने देख रहे थे ऑल इंडिया रेलवे टूर्नामेंट में अनुभव के साथ पॉइंट निकाल रही थी, यूनिक खिलाड़ी है। अब क्या करना है, समझदारी के साथ खेलते हैं। चलिए महिमा रेड पर, लेफ्ट से रेडर है महिमा, बोनस का प्रयास हुआ है, पहले बहुत ही बढ़िया एस्केप किए थे, हालांकि बोनस मिला, पॉइंट गया आंध्र प्रदेश को। चलिए रेड पर तो छह नंबर के खिलाड़ी, सभी का आज तीसरे दिन का स्वागत है सत्तरवीं कबड्डी विमेन चैंपियनशिप में, और आज हम अगले बीच आए हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब। मैं अनुरोध करूंगी हमारे टच करने का प्रयास, उसके बाद बोनस का प्रयास किए हैं। एक ही बार में दो दो स्केल किए हैं, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। स्कोर बता दे 18 और 40 का स्कोर है। दुआ डायरेक्ट आ गया आंध्र प्रदेश का, इधर 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, हालांकि बहुत ही सुंदर टैकल, डबल थाई होल्ड पैर पे गए हैं और रितिका सामने से आके उनको ब्लॉक कर दिए। अंतिम 5 मिनट समय शेष है, मिनी आई है रेड पर, किक का प्रयास लेफ्ट कॉर्नर पे, लगातार इंडियन रेलवे टारगेट कर रही है लेफ्ट कॉर्नर को, टाइम आउट लिया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से। सचिवसन खिलाड़ी हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, चलिए मैच स्टार्ट हो गया है। 6 नंबर के खिलाड़ी फिर से रेड पर गए हैं, एक लगा राइट कॉर्नर को, डिंपल को बाहर जाना पड़ेगा, डिंपल अभी सब्स्टिट्यूशन में आई थी। चलिए रेड पर महिमा, बहुत ही बढ़िया स्केप, स्वीटी और डिंपल को बाहर तो अंदर बुलाया गया है। स्वीटी लेफ्ट कॉर्नर खेलती हैं, राइट कॉर्नर डिंपल खेलती हैं, दोनों को अंदर बुलाया गया है। 1944 का स्कोर है, काफी बढ़त बना लिया है इंडियन रेलवे। चलिए रेड पर मिनी, और लेफ्ट कॉर्नर पे ट्राई था टच करने का, टाइम आउट लिया गया है, दूसरा टाइम आउट है आंध्र प्रदेश की तरफ से। बहुत ही तगड़ा एंकल होल्ड,
मिनी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, रेड भी लगाते हैं, डिफेंस भी बहुत बढ़िया करती हैं, राइट इन या लेफ्ट इन से बहुत ही तगड़ा ग्रिप उठाती हैं। रेड पर महिमा शानदार यहाँ पे स्टेप, रेड पर एक नंबर के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया रनिंग में ही एक ग्रिप ले लिए हैं। रनिंग में एंकल होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, हालांकि छूटेगा तो दो तीन पॉइंट जाएगा। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है मिनी, रेड डिफेंस इधर सुपर टैकल ऑन है महिमा के लिए। आर्य का चलाकी दिखा रहे थे कि 2+2 4 पॉइंट लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। और पांच नंबर के खिलाड़ी अकेले बच गए हैं। बहुत ही बढ़िया एंकल होल्ड। मैं कुछ ज्यादा इस मामले में आगे बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें शायद इट्स ए काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ पीपल। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का, चलिए मिनी रेड पर टच का दावा कर रही है मिनी। जी हाँ, थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमिलनाडु और राजस्थान की टीम को कि वो लाइन अप हो जाए। बहुत ही बढ़िया, चार नंबर को बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया स्किल से वो पॉइंट निकालती हैं मिनी, नाम ही है सिर्फ मिनी, बहुत ही बड़ा काम रहता है उनका। रेड पर महिमा बहुत ही बढ़िया तगड़ा डिफेंस, जाते जाते बहुत ही बढ़िया डिफेंस दिखाए हैं। बोनस मिला हालांकि इंडियन रेलवे को, स्कोर जा पहुंचा है 50 से ऊपर, 53-22 का स्कोर है। राइट कॉर्नर पर रनिंग है, इसका दावा है इनका। इसी के साथ मैच समाप्त हुआ। इंडियन रेलवे इस मैच को जीत लिए हैं।